नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इकोनॉमी का भाग दो पढ़ेंगे, जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसमें हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में बात करेंगे, और दूसरा नाबार्ड, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है आज का बैंक रेट, जिसमें हम सभी तरह के बैंक रेट कवर करेंगे, रेपो रेट और आपका MSF, SLR या बैंक रेट या रिवर्स रेपो रेट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यह है इकोनॉमी का भाग दो, जिसमें पहले नंबर का पॉइंट आता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय प्रधानमंत्री जो थे वो इंदिरा गांधी जी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय जो वित्त मंत्री थे ये मोरारजी देसाई थे। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय जो एग्रीकल्चर मंत्री थे ये सुब्रमण्यू जी थे। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय जो RBI के गवर्नर थे ये LK झा यानी कि लक्ष्मीकांत झा जी थे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी काफ़ी बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आगे देखते हैं, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर स्वामीनाथन को। ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक कौन है? ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जी है, जिन्हें नॉर्मन इर्नेस्ट बोरलॉग कहा जाता है, ठीक है। ये बेंगलोर के रहने वाले थे, USA के। और इसमें ये खास पॉइंट है, इन्हें इकोनॉमी इकोलॉजी का पिता भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, 19 जुलाई 1969 में 14 बैंक थे जिनका कुल जमा धन था 50 करोड़ या अधिक रखा गया, ठीक है। और 15 अप्रैल 1980 में 5 बैंक जिनका कुल धन था 20 करोड़ या अधिक रखा गया। आगे देखते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। डिपॉजिट में दो भाग होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट और दूसरा टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट के अंदर आता है CASA यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। और जो टाइम डिपॉजिट है इसमें आता है आपका राका यानी कि रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट। आगे देखते हैं, इसमें कुछ बैंक है, उपरोक्त 14 बैंक जिसमें बैंकों के हेडक्वार्टर के बारे में बताया गया है, जो राष्ट्रीयकरण के समय बनाए गए थे। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा आता है पहले नंबर का, इसका हेडक्वार्टर आपका बड़ौदा गुजरात में है। दूसरा कैनरा बैंक, इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलोर में है। दूसरा है इलाहाबाद बैंक, इसका है कोलकाता में। फिर देना बैंक मुंबई में, और सिंडिकेट बैंक इसका है मणिपाल में। आगे देखते हैं, आगे आता है यूको यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, इसका कोलकाता में हेडक्वार्टर है। और इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर आपका चेन्नई में है, इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर भी आपका चेन्नई में है। दूसरा यूनाइटेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका कोलकाता में है। और बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका पुणे में है, ये एक बार पूछा जा चुका है। और आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुंबई में है। आगे देखते हैं, PNB बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये दिल्ली में है, ये भी एक बार पूछा जा चुका है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आपका मुंबई में। आगे कुछ बैंक शेष है, उपरोक्त 6 बैंक यानी कि ये 6 बैंक है अलग से, आंध्र बैंक, इनका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में है। और OBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसका नई दिल्ली में है। और कॉरपोरेशन बैंक, इसका मंगलोर में है। और विजया बैंक, इसका बेंगलोर में है। और पंजाब एंड सिंध बैंक, इसका नई दिल्ली में है। और न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इसका दिल्ली में है। ये न्यू बैंक इंडिया 4 सितंबर 1993 में इसे मर्ज कर दिया गया था PNB के साथ, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? 21 है, पहले 19 थे जिनमें IDBI और BMB को जोड़ दिया गया था। IDBI आपका 20वां था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और BMB ये आपका भारतीय महिला बैंक, जो कि 19 नवंबर 2013 में खोला गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी का जन्मदिवस भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, इंदिरा गांधी के जन्मदिवस 19 नवंबर को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय एकीकरण दिवस।
ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, PSBS सार्वजनिक बैंक कितने हैं, ये आपके 27 है, इसमें 21 प्लस एक SBI और SBI के 5 सहयोगी बैंक। 20 अगस्त को क्या कहा जाता है, सद्भावना दिवस, क्योंकि राजीव गांधी का जन्म दिवस है। भारतीय महिला बैंक की शाखा कहाँ है, ये आपको ध्यान रखना है, जो पहली ब्रांच खोली गई थी मुंबई में थी, और इसके जो हेड थे उस समय श्रीमती उषा अनंत सुब्रमण्यम, और इसकी अमाउंट 1000 करोड़ थी। आगे आपका आता है SIDBI, जिसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई थी, मुख्यालय लखनऊ में है, और इसका कार्य कुछ और लघु मंजिले उद्योगों को कंट्रोल करना। अगला आता है आपका NHB, NHB की फुल फॉर्म है नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, जिसकी स्थापना 8 जुलाई 1988 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली, कार्य है इसका सेंट्रल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या DHFL। आगे आपका आता है एग्जिम बैंक, जिसकी फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 में, मुख्यालय मुंबई। और अगला आता है आपका ECGE, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी फैकल्टी एक्सपोर्ट क्रेडिट, जिसकी स्थापना 19 अप्रैल 1957, मुख्यालय मुंबई, कार्य है टू प्रोवाइड इंश्योरेंस फैसिलिटी। आगे आपका आ जाता है नाबार्ड, दोस्तों नाबार्ड से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, एक आपको ध्यान रखना है, नाबार्ड 6ठी पंचवर्षीय योजना में खोला गया था, इसको याद रखने का तरीका है, नाबार्ड में 6 शब्द है, यानी कि 6ठी पंचवर्षीय योजना में खोला गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में, मुख्यालय मुंबई, और नाबार्ड की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। यह है BN रमन कमेटी के कहने पर खोला गया था, इसके अध्यक्ष जो थे हर्ष कुमार भानवाला जी थे, और इनिशियल कैपिटल थी 100 करोड़, इसके जो प्रवर्तक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपका 50 करोड़ 99% इसमें सहयोग है, और RBI का 50 करोड़ 1% के हिसाब से, और जिनका अनुपात बनता है वो 50-50% का बनता है, जो करंट अनुपात है वो 99% और 1% का बनता है। आगे आ जाता है आपका RIDF, यह नाबार्ड का ही भाग है, इसकी स्थापना 1955-56 के बीच में की गई थी, ये UPSC 2012-13-14 तीनों परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसकी फुल फॉर्म है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, अमाउंट थी इसकी 2000 करोड़, 2015-16 में के बजट में 25,000 करोड़ रखी गई थी। आगे देखते हैं, इसमें राष्ट्रीय कोषीय नीति और मौद्रिक नीति, राष्ट्रीय कोषीय नीति में वित्त मंत्रालय के द्वारा की जाती है और वर्ष में एक बार, और जब मौद्रिक नीति की जाती है ये RBI के द्वारा हर 2 महीने में की जाती है। फिर आप क्या जाते हैं बैंक रेट, दोस्तों जो फिलहाल का बैंक रेट है ये आपका 6.75 है, ये आपको ध्यान रखना है, और जो रेपो रेट है ये पहले था, ये अब फिलहाल 6.25 है, और जो रिवर्स रेपो रेट है आपका 6% है, और जो CRR है कैश रिजर्व रेशियो ये आपका 4% है, और जो SLR है, SLR आपका फिलहाल करंट में 19.25 है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और जो MSF है ये आपका 6.75% है। दोस्तों जो MSF होता है और जो बैंक रेट होता है ये दोनों सेम होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मैंने दिया है बैंक रेट, MSF और रेपो रेट जो आपका है 6.75, ठीक है। MSF का मतलब होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, 9 मई 2011 में स्थापना हुई थी, और एक दिन का लेन देन इसमें होता है। आगे आप क्या जाते हैं NPA, जिसकी फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट, CRR 98,000 करोड़ को 1% कहा जाता है, और SLR गोल्ड सिल्वर NSC मेटल और PPF पर मिलता है, जिसमें NSC की फुल फॉर्म है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आगे देखते हैं बैंक रेट क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। कॉमर्शियल बैंक RBI से लोन लेता है,
ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए परसेंटेज तो मैंने आपको ऊपर बताई है 6.75, और रेपो रेट होता है CBRBI से। लोन लेता है सरप्लस इन्वेस्टमेंट के लिए, और रिवर्स रेपो रेट ऐसा रेट जिस पर कॉमर्शियल बैंक ने सरप्लस मनी को बांटा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल सेल्फ स्टडी को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लिए, जिससे हम आपको इसी तरह की वीडियो समय समय पर देते रहे। धन्यवाद।